हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ माय मैरिज व्लॉग्स। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, किस तरह से हमने आके बचे हुए तीन फेरे यहाँ पे पूरे किए, और अब बारी आती है आगे की रस्मों की, जिसमें दूल्हा दुल्हन के मित्र दूल्हा दुल्हन के कंगन और सहरा और सुहागूड़ा खोलते हैं। तो ये इस टाइम शादी के वक्त जो दूल्हा दुल्हन के मित्र बनते हैं, उन्हें ये मित्रता पूरी लाइफ निभानी पड़ती है। तो इस रस्म में दूल्हा दुल्हन के मित्रों के बीच कंपटीशन भी किया जाता है, और इन्हें ये छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं जिन्हें जल्दी कंप्लीट करना होता है, और जो पहले कंप्लीट करता है इन्हें वही विनर होता है। पहले कैंडिडेट तो ऑब्वियसली इन टास्क को मेरी मित्र तन्वी ही जीती। और उसके बाद दूल्हे का सहरा खुलवाया जाता है और दुल्हन का सुहागूड़ा, जो ये मित्र ही खोलते हैं। तो मित्री के बाद अब अगली रस्म आती है दुल्हन के कलीरे खुलवाने की, जो कि दूल्हे की सिस्टर्स खुलवाती हैं। तो इन्होंने दुल्हन के कलीरे खुलवाए, और उसके बाद मेन रस्म शुरू होती है, जो कि दूध लस्सी में अंगूठियां ढूंढने की है। तो इससे अगली रस्म आती है, जिसमें दूल्हे का छोटा भाई दुल्हन की गोद में बैठ जाता है और फिर अपनी डिमांड्स रखता है, और दुल्हन उसे कुछ गिफ्ट्स और पैसे देकर अपनी गोद से उठाती है। तो इसके साथ ही अंदर की अभी सारी रस्में खत्म हो जाती है, और इसके बाद दुल्हन यहाँ से उठकर चूल्हे की पूजा करती है।
और वहाँ पे पहली बार चबरू पकाती है और सबको खिलाती है। चबरू एक चंबियाली डिश है जो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा जब हमारे घर में बनेंगे। और इसके बाद जिस वाटर सोर्स का हम पानी पीते हैं उस वाटर सोर्स को पूजा जाता है दुल्हन के द्वारा, और जो चबरू बनाए थे दुल्हन ने वो मम्मी ने सिर पे लिए हुए हैं। तो इस रस्म का नाम है पनिहारा पूजन, जो कि नेचुरल वाटर सोर्स को पनिहार बोला जाता है यहाँ पे। तो अभी हम इस वाटर सोर्स का पानी पीते हैं, इस हैंडपम्प का, तो इसकी पूजा अभी दुल्हन करेगी। तो वाटर सोर्स की पूजा करने के बाद दुल्हन यहाँ से पानी भर के वापस घर को लेके जाती है, और घर में जाकर दूल्हे के द्वारा ये पानी उसके सिर से उतारा जाता है, और फिर दुल्हन दूल्हे के पैर छू के आशीर्वाद लेती है। और इसी के साथ आज दिन की रस्में जो भी हैं वो ख़त्म होती हैं, और रात को फिर शिव पूजन किया जाता है, जिसको हमारे यहाँ पे नुआड़ा बोलते हैं। नुआड़े की आपको वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में मिल जाएंगी, तो डिटेल में आप देख सकते हैं कि नुआड़ा क्या होता है और किस तरह से ये शिव पूजन किया जाता है। तो मम्मी पापा ने ये नुआड़े की पूजा की, और इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन आउट हुई हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से कि विवाह शादी के जो भी समारोह हैं उन्हें बंद किया जाए, जो भी धाम वगैरह है, जैसे कि ये नुआड़े के साथ एक धाम भी दी जाती है, तो वो हमें बंद करनी पड़ेगी। और साथ ही और भी कुछ रस्में थी जो हम इसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धाम और रिसेप्शन को बिल्कुल ही बंद करने का ऑर्डर आ गया था, और ये काफ़ी बुरी खबर थी क्योंकि हमारी सारी तैयारियां हो गई थी, क्योंकि नुआले के साथ साथ हमने रिसेप्शन की भी तैयारी की हुई थी। तो सारी सेटिंग हो गई थी और एकदम से नोटिफिकेशन आई कि अब सारी शादी और जितने भी ये रिसेप्शंस हैं वो सारे बंद किए जाएंगे। तो हमारी तैयारियां तो बिल्कुल पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ रिसेप्शन में ज़्यादा लोग नहीं आए, और जो लोग पहले से आए हुए थे वो भी रिसेप्शन पार्टी स्टार्ट होने से पहले ही चले गए। तो ये रिसेप्शन पार्टी बस हमारी फैमिली और जो दुल्हन की फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे उनके बीच ही हुई, और इसी वजह से मैं आपको आगे की रस्में नहीं दिखा पाऊँगा जो एक हिमाचली शादी में होती है, जैसे कि पग फेरा, मुंह दिखाई अभी रह गई है, वो मैं आपको किसी और शादी में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बस मैरिज व्लॉग आज एंड होते हैं। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और आगे भी आपको हिमाचली कल्चर से जुड़े व्लॉग्स इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे।